राधे राधे हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा साधुवाद। ब्रज में कृष्ण के जन्म का महामहोत्सव मनाया जा रहा है। आप सब भी जन्माष्टमी के महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। संतों का कहना है, ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच लचायो। जो गोपियां छाछ पर नाचना चाहती हैं जिन कृष्ण को, क्यों कृष्ण छाछ पर नाच नाचते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों पर कृष्ण बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो छाछ पर, मक्खन पर आकर के नाच करके और गोपियों के हृदय में प्रेम भर के चले जाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि ब्रजवासी जन्मोत्सव या भगवान के किसी भी उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आप सब भी यदि ब्रज में जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाना चाहते हैं तो आप आकर के ब्रज में मना सकते हैं। अन्यथा आप यत्र तत्र कहीं भी रहिए, जन्माष्टमी का महोत्सव अवश्य मनाइए। क्योंकि यदि आप भगवान के जन्मोत्सव को यदि आप हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे तो भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के उत्सवों को अवश्य मनाना है। या तो आप ब्रज में मनाइए या तो आप अपने घर में मनाइए। ये नंद का लाला, ब्रज का ग्वाला, यशोदा का लाला और ब्रजवासियों का प्राणधन कृष्ण का महामहोत्सव है। ब्रह्मांड नायक कृष्ण जो हैं, ये हम सब के परम पिता का जन्मोत्सव है। तो इस जन्मोत्सव में हम सबको सम्मिलित होना चाहिए और सबके घर में कृष्ण जन्मोत्सव अवश्य हर्षोल्लास के साथ होना चाहिए। और भगवान के जन्मोत्सव तो वही मनाते हैं जिसका मन बहुत बड़ा होता है, और जिनका मन बड़ा है वही भक्त हैं। यदि मन ही अगर हमारा छोटा हो गया तो हम भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। कम से कम हमारा मन उतना तो बड़ा हो कि गोविंद आके हमारे हृदय में विराजमान हो सके। इतना मन बड़ा मन करके हम लोगों को भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इसी के साथ इस जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा साधुवाद। सबको एक बार पुनः सबको राधे राधे हरे कृष्णा।